एकजुट होकर हम खड़े होते हैं, विभाजित करके हम गिरते हैं। स्वतंत्रता दिवस ये सोचने का एक अच्छा समय है कि हम कौन हैं और हम यहाँ कैसे पहुंचे। जिन वीर जवानों की बदौलत आज हमें ये स्वतंत्रता मिली, उनको शत शत नमन है। नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूँ आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। 15 अगस्त यानी कल के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल की तरह ही ऐतिहासिक लाल किले से समारोह का नेतृत्व करेंगे। ये दिन पूरे देश में बड़े गर्व और देशभक्ति के साथ मनाया जाता है। ये दिन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध है, जो एकता और देशभक्ति की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। लोग स्वतंत्रता दिवस को विभिन्न परंपराओं जैसे झंडा फहराना, परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और आतिशबाजी के साथ मनाते हैं। यह आयोजन राष्ट्रीय गौरव और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देता है। स्वतंत्रता, लोकतंत्र और समानता के मूल्यों को रेखांकित करते हैं। इस साल की इंडिपेंडेंस डे की थीम है विकसित भारत। ये थीम एक मजबूत और अधिक समृद्ध भारत के निर्माण के लिए राष्ट्रीय एकता और सहयोग के महत्व पर जोर देती है। जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 में, तब उसका कोई राष्ट्रगान नहीं था, लेकिन 1950 में जनगण मन हमारे देश का राष्ट्रगान बन पाया था। आपको बता दें, जब देश स्वतंत्र हुआ था तो गांधी जी इसमें शामिल नहीं हो पाए थे। बापू उस समय कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम दंगे को रोकने में लगे हुए थे। 15 अगस्त भारत के अलावा 3 अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस दिन दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आजाद हुआ था, साथ ही ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 1971 को और फ्रांस से कांगो 15 अगस्त 1960 को आजाद हुआ था। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा हमें और आपको ही करनी है, क्योंकि इसी से हमारी आजादी कायम रहेगी। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की सी न्यूज के पूरे परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।